जय श्री राम भाई। सो गाइस आज हम कर रहे हैं पांच कोसी परिक्रमा। सो गाइस अभी हम निकल आए हैं पांच कोसी परिक्रमा के लिए। हमको एक ग्रुप मिला है, मैं सुधार साहब को बता दूँ। ठीक है, गाइस हम लोग कर रहे हैं पांच कोसी परिक्रमा, तो चलते जा रहे हैं गाइस। आगे राघवेंद दादा और चाचा, देखिए चलते हैं, बने ब्लॉग में गाइस। कहते हैं पंच कोसी परिक्रमा। जय श्री राम। भैया जी देख सकते हो आप, यह दशरथ कुंड। देखिए ये लिखा हुआ है दशरथ कुंड, ये है यहाँ पांच कोसी परिक्रमा। चलते हैं भैया जी बिना किसी देरी के। एक डेढ़ घंटा हो गया अभी तो, कितना एक डेढ़ घंटा हो गया? हाँ हो गया ना, जाना है। एक डेढ़ घंटा हो गया, चलते 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 भाई। देखिए बहुत आदमी जा रहे हैं आगे की साइड। पंद्रह मिनट हो गए। जय श्री राम। तो भैया दो किलोमीटर और आ चुके हैं। देखिए 7 किलोमीटर रह चुका है। चलते हैं, दो किलोमीटर और आ गए। और इस सामने का नज़ारा कुछ दिखाऊं कैसा है। देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। जय श्री राम। ये अंगूठी जैसी लगेगी भाई, एक नंबर नज़ारा है। चलते हैं आगे और चलते हैं भैया जी, चलते हैं। सब लोग कमेंट में लिखते जाइए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो चलते हैं। अभी यहाँ गेहूँ नहीं कटा, पूरा काम खाए में नहीं आ सही बता की आपको ही पौधा नहीं फंसा की सर। हमारे तो भसा रखने अभी तक किसी थाड़ी से आफत भैया कही दिया हम भसा रख लो। हाँ हाँ हम से रखा भैया जी। सूर्यदेव निकल आए हैं, देखिए थोड़े थोड़े दिखने लगे हैं। भैया ये जा रहे हैं आदमी, कुछ पीछे से भी आ रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं भाई। चलते हैं परिक्रमा लगाते हैं पूरा। तो गाइस हम लोगों ने बहुत पीछे छू लिया था आदमी, लेकिन हमारे दादा इतना गए थे इतना बैठ गए थे। तो भैया ये चलते हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख सकते हो अभी। जय श्री राम। देखिए भैया जी ये लिखा हुआ है पंचकोसी चौदह कोसी परिक्रमा। सो गाइस हम लोग कर रहे हैं पंच कोसी परिक्रमा, कर रहे हैं गाइस 14 कोसी भी। तो गाइस चलते जा रहे हैं पंच कोसी परिक्रमा, कर रहे हैं 2-3 घंटे लगते हैं गाइस। और इसके साथ 14 कोसी में कितने दिन लगेंगे, दिन थोड़ी लगेंगे, 5-6 दिन गाइस। एक दिन में हो जाएगा 14 कोसी भी गाइस परिक्रमा। एक है 84 कोसी परिक्रमा गाइस, उसमें लगते हैं 21 दिन। जो गाइस हम लोग 5 ही कोसी परिक्रमा में बहुत खुश हैं। चलते हैं गाइस। सूर्यदेव भी देखिए होंगे आए हैं, चलेगा फिर 5-6 रह गया बिल्कुल भाग। ये तो जो आप सब बूढ़े बुजुर्ग हम तो आएंगे ना, क्या सुपैया जी वीडियो बना, हम लोग थोड़ा वीडियो में बीत गए ना, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया। चलते हैं जल्दी जल्दी से वीडियो को समाप्त करते हैं गाइस। अभी आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। सुपैया जी पहला है घाट पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आप। तो कहा है बैठे टेंशन में। राम राम, ओए राम राम। आप तो क्या सोच है कि पीछे के रास्ते से मतलब राम की पैड़ी के मतलब पूरा चक्कर हो जाएगा ना राम की पैड़ी के पास। उन्हें देखो जी क्या जो है काफ़ी याद है अमर की पीछे पहली बार मुश्किल है तो 50 भी हो जाए। लाखों ये चलते हैं बनाना ब्लॉग में, कमेंट कर देना जय श्री राम। आओ ले कमेंट कर देना। फाइनली भज जाओ पहुँचने वाले हैं पंत को ही प्रतिमा पूरा कर रहा है। सर अभी आगे हमारे गोला घाट सामने है गोला घाट।
और ज्यादा कितने कितने भी जाएगा हो जाएगा 8 किलोमीटर हो जाएगा 8 किलोमीटर आ जाएगा गाइस चिल्लाते हैं गाइस फिर मिलते हैं आप गाइस 1 किलोमीटर सफर पूरा करने के बाद ही मिलेंगे गाइस आप सबसे अब भैया जी यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है मार्ग का नाम किलोमीटर 11 से राजघाट पर और के बगल से झुनकिया घाट मार्ग लंबाई 0.2 गाइस एक दिन गाइस 1 किलोमीटर भी नहीं होगा 200 मीटर है गाइस चलते हैं क्या होगी लड़ाई क्या होगी लड़ाई बस जी फाइनली देखिए हम लोगों को नदी देखने लगी है सरजू जय श्री राम जय महादेव नदी के पास में आ चुके हैं गाइस फाइनली राजघाट और थोड़ा हो जाएगा गाइस 100 मीटर दूर मिला जहाँ से निकले थे वहीं तक पहुँचेंगे 100 मीटर और रहे गाइस नदी के पास तो आ गए लेकिन मतलब गाइस वहाँ से आए थे वहीं चलते हैं तो भैया जी यहाँ देखिए नदी गाइस यहाँ रेत ही रेत है देखिए सफेद ही सफेद दिखा गाइस रेत ही रेत देखिए यहाँ पर लोग नहा रहे हैं गाइस यहाँ रेत ही रेत है कितने दूर तक फैली हुई है नदी गाइस बहुत दूर है देखिए कहाँ तक बताएं जूम कर रखे हैं गाइस बहुत दूर तक फैली हुई है फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस मतलब कि आम की पैड़ी भी है हम पहले गाइस देखिए इस साइड आम की पैड़ी गाइस यहां पर हम लोगों ने नहाया था गाइस यहां पर देखिए गाइस यहां नहाया था टीवी तो गाइस इस ब्लॉग को हम यही समाप्त कहते हैं गाइस पंच को जी का माफ पूरी हुई गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना जय श्री राम गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।